रब से सोना इश्क, मेरा बच्चा और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। परिवार का नाम मत लेना, नहीं वो तेरी जिम्मेदारी। और अगर होते ना तेरी जिम्मेदारी तो ये नहीं करती तू। वो जो नीचे खुश हो रहे हैं ना, किसी का नाती किसी का पोता, जब सुनेंगे कि तेरा सच क्या है, टूट जाएंगे सब। लेकिन सच जानना हक है उनका, हक है उनका। और अब तेरे इस झूठ के साथ खामोश नहीं रह सकता मैं, और मैं बताऊंगा उन्हें कि सच क्या है। रणवीर नहीं, रणवीर प्लीज सुनिए ना। रणवीर बाबूजी बहुत अच्छा हो गया तू आ गया, देखना बुढ़ापा आया नहीं, अब इसे ताकत खत्म होगी। खोल नहीं रहा, खोल दे बेटा। वो आपसे कुछ बात करनी थी। अरे वाह, थैंक यू पुत्र। पता पुत्र, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू हमारी जिंदगी में इतना जरूरी हो जाएगा। कोई भी काम हो ना, मन में आता है बस रणवीर पुत्र को बोल दो, पूरा हो जाएगा, और देख हो भी जाता है। पता पुत्र, तू ना मेरा दामाद नहीं, मेरा अपना बेटा है। क्या कह रहा था बेटा? हाँ वो यही कि आप जैसे बाबूजी पाकर मैं भी धन्य हो गया। पुत्र जिंदा रहे, बच्चे खुश रहे। अब मैं आता जरा है। पेपे, इन सब तैयारियों में दवाई खाना तो नहीं भूले ना? नहीं पुत्र, मैंने दवाई ले ली है। रणवीर पुत्र, तूने तो मेरा नजरिया ही बदल दिया है। मैं तो सोचती थी कि मैंने दुनिया देखी है, दुनिया को बदलते हुए देखा है, पर पुत्र इंसान को बदलते हुए पहली बार देख रही। तू सचमुच बदल गया है पुत्र, तू बदल गया है। रब तुझे खुश रखे, बहुत खुश रखे। कुछ बात तो करना। उची बोल पुत्र। दिलजीत है वो तो नहीं बताएगा तो फिर कैसे पता चलेगा की होया? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। किसने क्या खत्म कर दिया है? हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा, बीच अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया हमारे, सब खत्म हो गया हमारे, सब खत्म हो गया हमारे। जी मैं तो कहती थी पहले आधा पागल था, अब पूरा हो गया, दीवाना ही हो गया बिल्कुल साहिबा का है। पर अब क्या करें, साहिबा को भी अब समझ आ गया होगा इसके साथ कोई उसका फ्यूचर तो है नहीं जी, है ना? क्यों अपने आप को ये सजा दे रहे हो दलजीत? साहिबा ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया तो तुमने अपनी ये हालत बना दी, और तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए इतना परेशान है, उनके बारे में नहीं सोचा तुमने? और मेरे बारे में भी जरा सा भी नहीं सोचा ना तुमने? ओ पुत्र, मल्लिका सुन तो। सर जय। ओ पुत्र सुन। हाय रब्बा, उनकी करा। इसमें इस बेचारी की भी क्या गलती है? इन्नी बारी कोई पत्थर से सर टकराएगा, मेरे बेटे ने भी यही किया। आज देख क्या हाल हो गया है उसका। मैंने बेटा डर लग रहा है कहीं मल्लिका दिलजीत को नौकरी से तो नहीं निकाल देगी।
पर जाए। हम सबको इस कार से भी निकाल सकती है वो, क्योंकि मल्लिका के पैसे से तो दलजीत ने ये कार खरीदा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने सोच लिया है बीच, दलजीत की इस हालत का इलाज बस एक ही है, पुत्र अब ये जो 3 महीने तक जलती रहेगी, तेरे बच्चे की सलामती के लिए हमने अखंड ज्योत रखी है। पुत्र ये ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। हाँ, जब तक ये ज्योत जलती रहेगी तेरे बच्चे की सलामती बनी रहेगी। बाबा जी, मेरी साहिबा और उसके होने वाले बच्चे पर अपनी मेहर रखना। बाबा जी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। कहते हैं हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर आता है, पता नहीं तेरी किस्मत में क्या लिखा है बेटा। हेलो, मेरे बेटे को बचा ले साहिबा, मेरे बेटे को बचा ले, वापस आ जा साहिबा, अब तू ही उसे बचा सकती, कोई उसके लिए कुछ कर सकती है साहिबा। यहाँ पे पाठ चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं घर पर। ना 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 मत कहना साहिबा, तुझे रब दा वास्ता है, हर चीज का वास्ता है जिसे तू मानती है। ना मत कहना मेरे पुत्र, ना मत कहना, बस पुत्र एक बारी आ जा और मैं तेरे सामने झोली फैला के मेरे बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ साहिबा। मेरा बेटा पागल हो गया है साहिबा, वो किसी से बात नहीं करता, ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना हंसता है, बस तेरा नाम जपता है। आजा पुत्र, आजा, और अब तेरा भला करे, आजा पुत्र मेरे बेटे के लिए, आजा। माँ, आप उनका ध्यान रखो, उन्हें संभालो, क्योंकि मैं नहीं आ सकती। बस एक बार ही आ जाना पुत्र, और मैं वादा करती हूँ तेरी सारी सारी गिलेशिक में जो भी है ना, वो सारी गलतियां सब कुछ भूल जाऊंगी मैं। बस एक बार ही आ जा मेरे बेटे के लिए, आ जा। वो नहीं आएंगी। वो कभी नहीं आएंगी। माँ, मैंने बहुत पाप किए, मेरे गुनाहों में एक गुनाह और छोड़ लो, लेकिन मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं आ सकती माँ, मैं नहीं आ सकती। ओ साहिबा पुत्र, तुझे ना एहसास नहीं है उस दर्द का जो एक माँ को होता है जब उसका बच्चा उससे दूर जाता है, जब वो माँ अपने बच्चे को खो देती है, नहीं है ना तुझे दर्द का एहसास। और मैं ना रब से मांगूंगी, हजारों बार विनती करूंगी, तू भी वो दिन देखे, तू भी वो दर्द से। हजारी लाख बार मैं रब से यही विनती करूंगी कि तू भी वो दर्द से। आए रब्बा मेरा बच्चा। तक ये जोत जलती रहेगी तेरे बच्चे की सलामती बनी रहेगी। क्या हुआ पुत्र, क्या हुआ? हाँ,
बेबी वो जोत जोत बुझ रही थी। हाँ, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया। तुम्हारे बच्चे की सलामती के लिए इस जोत का जलते रहना बहुत जरूरी है। दलजीत जी को मेरी जरूरत है। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है जब मुझे उनकी जरूरत थी। साहिबा जी, साहिबा जी। मुझे जाना चाहिए। नहीं, उन्हें अब मेरे बिना जीने की आदत डालनी होगी। मैं उन्हें ये उम्मीद भी नहीं दे सकती कि मैं उनके आसपास हूं। उन्हें खुद को संभालना सीखना होगा, यही उनके लिए बेहतर होगा। नहीं रह सकता मैं साहिबा जी के बिना। नहीं रह सकता साहिबा जी, साहिबा जी, साहिबा जी, साहिबा जी, पुत्र, साहिबा जी, ओए पुत्र राम, ओ सब ठीक होना है। पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी दो, पानी, पानी पीने। दलजीत की कर रहा है तू पुत्र? ना पुत्र, दलजीत, 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 देखिए हमको लगता है कि इनको बहुत बड़ा सदमा लगा है। आप लोग सब मिलकर कोशिश कीजिए कि ये वो सदमे से बाहर आ जाएं और नॉर्मल हो जाएं। आइए मैं कुछ दवाइयां दे देता हूं। पुत्र, सब ठीक होना है पुत्र। कुमारी साहिबा को दलजीते से मिला दे, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मेरे बच्चे की जिंदगी बचा दे। मुर्शिया जी, मैं तेरा ऐसा हर कभी नहीं भूलूंगी। मैं सिखवाई इनको, इतना ना को, मैं कोशिश करती हूँ। और अब तेरा भला कर, उसे रोना बचे, कोशिश करती। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपो निर्वैर अकाल मूर्ख। अरे आंटी लाइए, मैं ले लेता हूँ, आप बैठिए। पुत्र
अपने जैसा लड़का ना मेरी बेटी के लिए भी देख दे, साहिबा कितनी खुश है। दुआ करिएगा उसकी किस्मत मेरे जैसी ना हो। तू और तेरी बातें। प्यार में हारना बहुत दर्द देता है आंटी जी। जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा ना तो मेरा और रणवीर का बच्चा कहलाएगा, और रणवीर ही इसके पिता होंगे। साहिबा जी, अजीत क्यों है पुत्र? ना ना ना, ना पुत्र, शांत हो जा, मैं हूं तेरे नाल, शांत हो जा, मैं हूं तेरे नाल पुत्र। कैसे मुस्कुरा रही है? चलो आ जाओ आप लोग, हैं मैं बैठता हूं। आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। सुनो, चल के साहिबा से बात कर ले। हैरी जी, अभी अभी तो हम आए हैं, अभी तक तो मैंने मुबारकबाद भी नहीं दी अपनी साहिबा को। हाँ, लेकिन हमें जल्द से जल्द जाकर उससे बात करनी चाहिए दलजीत के बारे में। वो मां बनने वाली, ऐसे में मैं उसे कैसे बात करूं? ब्यूटी, लेकिन दलजीत अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो दलजीत मर जाएगा। और साहिबा वो भी मर जाएगी। हरजी, दो दो कश्तियों में सवार होकर ना दरिया पार नहीं किया जाता। वो अपने घर में कितनी खुश है, ऐसे में अगर मैं उससे ये सब कुछ कहूंगी तो वो नहीं सहन कर पाएगी। उसने बहुत कुछ सहा है यारी जी, आपको सब पता है ना। ब्यूटी, जिस तरह तुम्हें साहिबा की चिंता है वैसे मुझे दलजीत की है। तुमने देखा है ना उसे, बुत बन गया है वो, ना खाता है ना सोता है, इसे कब तक चलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि वो जीना ही छोड़ दे। अरे जी, दलजीत की चिंता मुझे भी। आंटी जी, एक मिनट। क्यों है पुत्र? आंटी, ये दलजीत के लिए आए। की है? ये इनविटेशन है वैलेंटाइन्स डे का। क्यों बात विच? वैलेंटाइन्स डे आंटी मतलब जहां पे दो प्यार करने वाले साथ में वक्त गुजारते हैं, पार्टी होती है, नाच गाना होता है। पर आंटी, दलजीत की ऐसी हालत नहीं है कि वो। ओए रुक जा, अगर दलजीत ने कोई ये न्योता भेजा है तो जरूर उसके दोस्त ने भेजा होगा। और अगर दलजीत ऐसे खुशी के माहौल में जहां नाच गाना हो उस माहौल में जाएगा तो उसका दिल भी बहल जाएगा। मैं चाहती हूँ कि वो वहां जाए। आंटी, दलजीत की ऐसी कंडीशन नहीं है, वो हमसे बात तक नहीं कर पा रहा है। ओए, मैं माँ उसकी, मैं जानती हूँ वो जरूर जाएगा, मैं भेजूंगी उसे। साहिबा दीदी, क्या हुआ? आपके लिए कुछ आया है क्या? दिखा दो। वैलेंटाइन डे का तुझे कहाँ से मिला? बाहर लेटर बॉक्स में था।
ठीक है तू चल। किसने भेजा है, क्यों भेजा है, मुझे अकेले क्यों बुलाया? रब से